नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल और हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद नजमुल हुदा। ये जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे हम आज बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके पूरे चैनल का आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इसका मौका दिया और हम यहाँ आए हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सब लोग बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। सर, आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, पार्टी के नेता होने के नाते सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे जदयू परिवार को बहुत ही प्रसन्नता है, खुशी है जी। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और ने नीतीश कुमार जी ने एक बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और काबिल व्यक्ति का चयन किया है जी। माननीय रामचंद्र बाबू, जिसको आरसीपी सिंह के नाम से सब लोग जानते हैं, उनकी ईमानदारी, कर्मठता के ही कारण आज देखिए कि पार्टी, जब से उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है तब से लेके आज तक जी, पार्टी के लिए जो उन्होंने मेहनत किया है और लगन से काम किया है और जिस तरह से सारे जदयू को एक परिवार की तरह संजोया है और परिवार की तरह लेके चले हैं, कहीं किसी की अनदेखी नहीं की उन्होंने आज तक जी। हर कार्यकर्ता से लेके और नेता तक सबको उन्होंने मान और सम्मान अपने स्तर से दिया है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस ऊंचाई पर माननीय आरसीपी सिंह के मार्गदर्शन में पार्टी ने अपना पर फैलाया है और पार्टी जिस ऊंचाई तक गई है, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी उसी के अनुसार जो है उसी ऊंचाई तक जाएगी। अच्छा सर, अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए, इसको लेकर बिहार में भी खूब सियासत हो रही है सर। क्या भाजपा के इस कदम से एनडीए गठबंधन, जो बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, हमारा गठबंधन जहाँ तक था, ये तो शीर्ष नेतृत्व ने जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था तो उसमें बहुत क्लियर कर दिया था, साफ कर दिया था। इसकी बात भी चली थी और माननीय केसी त्यागी जी ने इस पर विशेष रूप से चर्चा भी की। तो जहाँ तक गठबंधन की बात है तो हमारा गठबंधन बिहार में है, उनके साथ है जी। और हमारे जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू हैं, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है, बड़े साफ शब्दों में इस बात की चर्चा कर दी है, बता दिया है कि हमने गठबंधन को और इस धर्म को बहुत ही मान और सम्मान जनक तरीके से लिया है और चलते हैं। हम कभी भी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करते हैं। हमने इसको एक चुनौतीपूर्ण इस गठबंधन को लिया और हमने ये साबित कर दिया है कि हम आपके घटक दल के सदस्य हैं, घटक दल की पार्टी हैं और हम हर हर कदम पर आपके साथ रहे हैं और रहते आए हैं जी। अब ये उनका ये है कि उन्होंने इसको किस तरह से लिया और कैसे लिया। हाँ, बिल्कुल, जो अरुणाचल की बात आप कर रहे हैं तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला जरूर लिया था कि हम आपके साथ सरकार में शामिल होंगे, हमारे विधायकों को भी सरकार में शामिल कीजिए, ना कि आप पूरे पार्टी में ही उनको जो है उनका विलय करा लीजिए। तो इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। हालांकि सर देखिए, बिहार में इस मुद्दे को लेकर काफी सियासत हो रही है, विपक्ष के तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। राजद के जो सर नेता हैं शिवानंद तिवारी, उनका भी बयान आया कि ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई साहसिक फैसला लेते हैं तो राजद उनका सपोर्ट करेगी। किस तरह की साहसिक फैसला का वो बात कर रहे हैं सर? नहीं देखिए, वो जो कह रहे हैं या कहना चाहते हैं, उनके कहने में और जो धरातल पे चीजें हैं उसमें बहुत अंतर है जी। वो उनका कहने का क्या तात्पर्य है वो जानते हैं, उसमें हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और जहां तक आप विपक्ष की बात करते हैं तो
विपक्ष का काम ही है बात बनाना जी, इसलिए कि उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन है। अब वो समझ रहे हैं कि एक मुद्दा हमें मिल गया है, उस मुद्दा को हम बनाते रहे बनाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि वहां का मुद्दा है उसको हमारी पार्टी ने बहुत ही सीरियसली लिया है, बात किया है और बात कर रही है। हम उस पर पार्टी हमारी जो है उस पर अपना विचार रखेगी, बात करेगी, विचार रख भी दिया है और अपना काम करेगी पार्टी, अपना इस असर से कर रही है। विपक्ष का काम है कि भाई कोई मुद्दा ना मिले तो एक कोई किसी भी मुद्दे को लेके किसी को भी बहका देना, किसी को भी कुछ कहना, किसी के बारे में कुछ कहना, तो यही काम है उनका। बाकी और किसी तरह की कोई ऐसी कोई बात तो नहीं। आपके अनुसार सर गठबंधन पे कोई असर पड़ने नहीं जा रहा? गठबंधन पे कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है जी, ये बात तो बिल्कुल आपने। अच्छा सर, बीते दिनों जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें पार्टी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, तो सर अब पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, पार्टी ने नाराजगी व्यक्त की है और ये करना भी चाहिए, इसलिए कि इस तरह की कहीं से भी कोई आपसी गठबंधन नहीं था कि भाई हम आपके विधायक को मिला लें, हम आपके लोगों को मिला लें। मैंने मुझे याद है और मैं जानता हूं कि कई बार ऐसे मौके आए हैं कि जब हमारे पार्टी के लोगों में पार्टी में मिलने के लिए दूसरे दल के लोग आए तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे नेताओं ने कह दिया कि हमारा गठबंधन है और हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए आप जहां हैं वहीं रहिए और हम आपका मान सम्मान करते हैं। तो जब एक घटक दल इतना आगे बढ़ के और आपका मान सम्मान करता है तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है जी। तो ये बहुत ही क्लियर बात है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस बारे में जो कुछ भी कहना था कह दिया है। अब उनका जो भी और भी अगर उनका कुछ फैसला लेना होगा तो अपना लेंगे, लेकिन इस तरह की कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है। जो विपक्ष कहना चाह रहा है वो सिरे से गलत है, सिरे से हम लोग उसको खारिज करते हैं। अच्छा सर, केसी त्यागी जो है आपके महासचिव हैं, उनका सर बयान आया कि भाजपा के द्वारा गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया गया है। जी जी, तो सर इस विषय पे आप अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं तो मैं बिल्कुल सही बात है कि मैंने गठबंधन धर्म, हमने तो हमने इससे पहले भी आपको कहा कि हमने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया। सर, जब भाजपा ने गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है तो अब पार्टी क्या सोचती है सर? जदयू पार्टी क्या सोचती है आगे बिहार में क्या होगा उनका कदम? अब इस पे विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद जो भी निर्णय लेना होगा पार्टी निर्णय लेगी इसमें। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जो है माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है विपक्ष को, और विपक्ष जो इसको समझ रही है कि बहुत बड़ा एक मुद्दा हमारे हाथ लग गया, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं जो बहुत दूसरी पार्टियों के भी संपर्क में हैं, तो इसको क्या कहा जाए? अच्छा सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया कि हमें पद की कोई लालसा नहीं है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान आया है कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है और वो इस दिशा में स्पष्ट कह चुके हैं कि अपने मूल्यों से ना कभी समझौता किए हैं और ना कभी समझौता करेंगे। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बिल्कुल तो सही। हम इसे सर क्या माने कि अब नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं भाजपा के इस फैसले से और कहीं ना कहीं भाजपा को चुनौती दे रहे हैं? नहीं, चुनौती देने की बात नहीं है, उन्होंने अपने अपने को बिल्कुल साफ कर दिया है कि देखिए, जब जनता ने अपना फैसला सुना दिया और जनता ने ये फैसला सुना दिया कि भाजपा को एक बड़े पार्टी के रूप में यहाँ पे अपना मत दिया, तो हर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसी को मुख्यमंत्री बनाने का ये होता है कि भाई वो अपना मुख्यमंत्री बनावे। लेकिन भाजपा ने शुरू से कहा था कि चाहे किसी कोई भी परिस्थिति आए हम मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को ही मानेंगे। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं सुशील मोदी, उनका भी कल बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे लेकिन सबने दबाव बनाया, सबने उनको इस ओर प्रेरित किया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल सही बात। तो सर अब इस स्थिति में अगर मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, चेतावनी नहीं दे रहे हैं बल्कि वो दुखी तो जरूर हैं, सब लोग दुखी हैं इससे कि जब हमारा गठबंधन धर्म आज का, हमारा गठबंधन भाजपा का आज का तो नहीं, हमारा गठबंधन जो है भाजपा के साथ 20 साल पुराना गठबंधन है, 22 साल पुराना गठबंधन है हमारा भाजपा के साथ, और इन 22 सालों में कभी आज तक जदयू ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने या जो भी शीर्ष के नेतृत्व हैं उन्होंने या उनकी तरफ से कभी कुछ कोई ऐसा बयान, ना बयान आया ना किसी
किसी तरह का कोई ऐसा काम किया गया कि जहां पर किस कोई भी चाहे वो हमारे घटक दल के लोग हों या बाहरी लोग हों कोई उंगली उठा सके कि नहीं ये घटक दल ये जो गठबंधन के खिलाफ है। तो ये बात तो जरूर सबको चुभती है जी। ये बात जब सबको चुभती है तो सबको सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या किया है तो ये कहां तक ये अच्छा सर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होने जा रहा है? मंत्रिमंडल विस्तार पे कोई खबर सर, कोई जानकारी? मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तो खरवांश लगा हुआ है तो खरवांश के बाद ना कुछ कुछ भी होना होगा होगा, लेकिन इसके बारे में मुझे अभी इसकी कोई जानकारी इस संबंध में सर मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया है कि अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं सर बीजेपी रोड़ा बन रही है क्या मंत्रिमंडल विस्तार में? नहीं तो उनको प्रस्ताव तो उन्हीं को देना है ना, इसलिए कि बड़ी पार्टी है। अच्छा मतलब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। हाँ बिल्कुल, और क्या, तो उनके उनका संख्या बल ज्यादा है जी, तो सब सही बात है कि उनका उनको प्रस्ताव देना है। तो कहीं ना कहीं सर आपकी पार्टी बैकफुट पे है क्या? नहीं बैकफुट पर तो कैसे है, हम ऐसा नहीं कह सकते बैकफुट पर कैसे हम, जब अगर बैकफुट पर होते तो फिर कैसे आप इसको ये प्रस्ताव लाते कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही होंगे? ऐसा नहीं है। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में और खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बिल्कुल मैंने पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ और अपने आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देशवासियों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि पूरे बिहार के लोग जो 12 करोड़ जनता है वो चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें। अच्छा सर बिहार में शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आए हैं जी, बावजूद इसके सर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके उदासीनता के वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है सर, इस संबंध में आपकी सरकार क्या सोच रही है? देखिए अभी तो सरकार हमारी बनी ही है जी, और अभी तो जैसे कहते हैं ना कि जमे 8 दिन नहीं हुआ सरकार बने हुए। अच्छा तो अभी बनी ही है सरकार और सरकार का बहुत ही ठीक है, सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति है, मुख्यमंत्री ने बहुत साफ साफ कर दिया है कि जो भी फर्जीवाड़े में पकड़े जाएंगे वो बचेंगे नहीं, और इसीलिए आपको भी पता होगा और मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इसके इस संबंध में कार्रवाई शुरू हो गई है और सारे लोगों के सर्टिफिकेट की जाँच हो रही है, सारे लोगों के मार्कशीट की जांच हो रही है, उनके परसेंटेज की जांच हो रही है और जो भी लोग इसमें पकड़े जाएंगे उनको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कई मामले हमारे संज्ञान में आए हैं सर, आप सिवान जिला के आप भी रहने वाले हैं जी, जी, सर सिवान जिला के ही एक शंकरपुर पंचायत का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था जिसमें एक ही शिक्षक ने 2 अलग-अलग बहाली में 2 तरह के नंबर पेश किए हैं सर, ये कहीं ना कहीं तो फर्जीवाड़ा है और इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और बिल्कुल अगर फर्जीवाड़ा है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस पर बहुत ही सख्त हैं और हमारे जो इसमें माननीय मंत्री हैं सर इस संबंध में जो आवेदक है आवेदक के द्वारा सर उसका आवेदन कॉपी भी हमारे पास है जी, सबूत के तौर पर उन्होंने हमें दिया था, उन्होंने उस आवेदन को डीएम को दिया जी, जो जिला के वरीय पदाधिकारी हैं जी, जी। उनके पास गया लेकिन उस विषय में सिर्फ आवेदन इधर से उधर घूम रहा है उनका, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक प्रति आप मुझे उसका दे दें जी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जरूर माननीय मंत्री जी तक मैं पहुंचवा दूंगा, कोशिश करूंगा कि उन तक मैं पहुंचा दूं और इसमें किसी भी तरह की कोई भी फर्जीवाड़ा अगर हुआ है कोई विलंब हुआ है तो इसमें कोई भी अधिकारी से लेके और शिक्षक तक जो भी फर्जीवाड़े में पकड़े जाएंगे वो माफ नहीं किए जाएंगे, इतना अच्छा। बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अच्छा सर अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहारी न्यूज चैनल जो है ये बहुत ही लोकप्रिय है और देखा जाता है और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मकर संक्रांति का पर्व त्यौहार आने वाला है और नए साल का भी आना हो गया है, तो मैं इस नए साल और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आप तमाम बिहार और भारत और विश्व के लोगों को जो ये महामारी वैश्विक महामारी जिससे जूझ रहे हैं इनसे जल्द से जल्द कामना करता हूं कि इसका जल्द से जल्द निदान निकल जाए, जो वैक्सीन है उसको वो लोगों तक पहुंच जाए और आप सब जो है स्वस्थ रहिए सुखी रहिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करिए, जैसे कहा जाता है कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो मास्क लगा के रखिए 2 गज दूरी बनाए रखिए, आप अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए अपना ध्यान रखिए, इस
प्रदेश का ध्यान रखिए और अपने देश का बहुत बहुत ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नए साल की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो अभी हमारे साथ सैयद नजमुल हुदा जुड़े हुए थे और इन्होंने कई मुद्दे पे हमसे बातचीत की। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको।